अशोक जी, एक बात कही जा रही है, नीति जी ने भी कहा, अवधेश जी ने भी कहा कि जहां जहां इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में कुछ ताकतवर होके उभरा है वहां वहां अपराध बढ़ रहे हैं, और भाजपा भी कह रही है और नीति जी भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती तो उनका जो काडर है वो पूरी तरीके से उन्मत्त हो गया, इसीलिए अयोध्या से लेकर कन्नौज तक ये क्राइम अगेंस्ट वुमन दिखाई दे रहा है। अशोक जी, दो बातें हैं। पहली बात तो हमारी बहन नीति जी ने कहा कि गूगल कर लीजिए, आपको आंकड़े पता चल जाएंगे, तो गूगल करने की जरूरत नहीं, आप एनसीआरबी के आंकड़े ऐसे देख लीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में योगी उत्तर प्रदेश नंबर वन बना हुआ है, गैंग रेप में उत्तर प्रदेश नंबर वन बना हुआ था, तो आपको डेटा तो सरकारी डेटा है ना, एनसीआरबी कोई सपा का डेटा नहीं है वो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जहां जहां सपा मजबूत हुई या विपक्ष मजबूत हो रहा वहां इतनी घटनाएं हो रही। मैंने इसके पहले जो एग्जांपल दिया, आप कहेंगे बार बार मैं वही नाम क्यों ले रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई, अमिताभ जी से हाथरस घटना हुई या बृजेश्वर शरण सिंह की घटना हुई, चाहे कुलदीप सेंगर घटना हुई, उसमें क्या सपा या कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी क्या? उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति आज हुई है, लेकिन बृजेश्वर शरण सिंह के मामले में तो मजबूत नहीं थी, या इसके अलावा जो मामला मैंने बताया उसमें भी हम लोग मजबूत नहीं थे, हम लोग बहुत कम उसमें सीटें पाए थे। तो ये कहना मुझे लगता है कि कोई मतलब की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक नया ट्रेंड स्थापित किया है, क्योंकि जैन साहब है यहाँ पे अधिकारी हैं, नया ट्रेंड क्या है कि एक सुपर क्लास का बलात्कारी जिसको बाबा कहते हैं राम रहीम, उससे इलेक्शन कैंपेन करवा रही बीजेपी। ये देखिए नया एक मतलब इलेक्शन कैंपेन का तरीका, इलेक्शन कैंपेन के लिए एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, जो बढ़िया छवि के लोग होते हैं, नेता हाई प्रोफाइल नेता जाके स्टार पर जो अपना स्टार प्रचार, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सुपर क्लास का जो है बलात्कारी बाबा को स्टार कैंपेनर बना रखी है बैकडोर से राम रहीम को। हमेशा देखिए फरलो, इसके पहले 4-5 चुनाव हुए नगर निगम से लेकर के, हर चुनाव पहले उसको फरलो मिल जाती है और आके अपना यहाँ सेटिंग करता है और भाजपा को जितवाता है। तो इस तरह का अगर बेंचमार्क आप सेट करेंगे कि बलात्कारी को जेल से बाहर निकालेंगे फरलो पे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, उसके बाद आप कहेंगे जो है बेटियों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, बेटियों के जो है इस तरह के जो लोग करने वाले उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, तो दोनों तरफ दो तरफा बातें नहीं चल सकती है। अमिताभ जी, आप देखो कोई आप सेट करिए, कोई पैरामीटर आप सेट करिए, किसी बलात्कारी के खिलाफ आप जो जैन साहब ने कहा उस तरह से एक्शन लेके दिखाइए। आप चाहे वो आपके घर का बलात्कारी हो, चाहे आपकी पार्टी की बलात्कारी हो, चाहे विपक्ष की बलात्कारी हो, आपको सेट तो करिए बेंचमार्क, फिर अगर कोई उसका विरोध करेगा तो फिर आप उंगली उठाइए। लेकिन आपने कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया, न तो कुलदीप सेंगर के मामले में किया, किया न तो बीएचयू के मामले में किया, तो आप क्या आपकी कथनी करने में जनता क्यों विश्वास? ठीक अशोक जी, ठीक है अवधेश जी, बाकी राजनीतिक जवाब देंगे। मुझे लगता है कि जब जागो तब सवेरा, समाजवादी पार्टी की इस मांग पर योगी सरकार को तत्काल संपूर्ण प्राथमिकता के साथ काम शुरू कर देना चाहिए कि ये जो दो केस हाथ में है, अयोध्या और कन्नौज, इन्हीं में नजीर सेट कर दीजिए और यहीं से नजीर सेट कर दीजिए। ठीक, ये तो ताजी ताजी अभी अंदर ही है, यहीं से एक नजीर सेट हो जाए फिर वो आगे चलती रहेगी। अब राम रहीम और आसाराम बापू पर तो क्या नजर सेट होगी, वो तो अदालत के अधीन मुकदमे चल ही रहे हैं उनके, और पेरोल भी मिल रही है या जमानत मिल रही है या इंटरिम बेल मिल रही है, वो सरकार की ग्रांट करने से, कलेक्टर और कप्तान की ग्रांट करने से नहीं मिल रही, वो अदालत से मिल रही। गलत सही का फैसला अदालत जाने, अदालत से बहस हो सकती है। मैं सहमत नहीं इस तरह के ये बार बार पेरोल मिलने से, लेकिन अदालत के निर्णय पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि फिर वो उसकी मानहानि होती है अदालत की। हां, यहीं से अवधेश जी, यहीं से नजीर सेट हो जाए, घर मकान द्वार सब ध्वस्तीभूत करिए, बिल्कुल ऐसी सजा होनी चाहिए कि जैसे कहते थे भाई 7 पीढ़ियां याद रखें। ये समाजवादी पार्टी इस बात में आपके साथ है कि नजीर नहीं सेट की आपने, अब नजीर सेट करो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन है तब से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी आधार पर जनता ने योगी जी की सरकार पर दोबारा मुहर लगाई है।
एक भी कोई नजीर नहीं है कि किसी रेपिस्ट के लिए, किसी भ्रष्टाचारी के लिए, किसी आतंकवादी के समर्थन में भाजपा खड़ी हुई हो, भाजपा के नेता ने कोई बयान दिया हो। अशोक यादव जी, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, सारे प्रकार के जितने अपराध हैं, सारे अपराधों में कमी आई है। और आपको याद दिला दूं, कांग्रेस का एक संसदीय कार्य मंत्री था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ने टॉप किया था महिला अपराध के अंदर, और राजस्थान के कांग्रेस के संसदीय मंत्री जो आपके एनडी गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं। ये आपके एनडी गठबंधन के नेताओं की सोच है। जहां तक बृजभूषण सिंह का सवाल है, चार स्तर पर उनको सजा मिली है, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके समर्थन में कोई एक वक्तव्य नहीं दिया है। खेल के फेडरेशन ने उनको सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनको सजा मिली, पुलिस केस चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट काट दिए। आप दिखाइए ना मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई करके, एक नगर अध्यक्ष को आप हटा नहीं पा रहे हैं, अल्पसंख्यक कौन सा आपका प्रभावशाली है कि जिसको आप नहीं हटा पाते, और यादव जाति का नवाब सिंह है उसको हटा देते हैं, दूसरी बार फिर शामिल कर लेंगे। एक नजीर तो दीजिए आप जाइए तो मोहित खान ने जिसको जिसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया है, उस निषाद बालिका के घर, उसकी पीड़ा तो समझिए। आप जाइए तो कन्नौज के अंदर, आपने हाथरस में जो तीर्थ विकसित कर दिया था, कहां गई वो प्रियंका गांधी जी, कहां गई डिंपल यादव जी, कहां है ममता बनर्जी जी, इनके वोट क्यों सिले हुए हैं? अगर ये लड़कियों की सुखचिंतक हैं, स्वयं महिला हैं, और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, सिलेक्टिव आप इशू खोज रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, देश की और प्रदेश की जनता सारी चीजों को समझती है। जब मायावती जैसी ताकतवर उत्तर प्रदेश की महिला के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, उनके कपड़े फाड़े, आपने उनको उनके मर्डर करने की कोशिश की, और आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की, कौन उससे ताकतवर महिला इस देश में हो सकती है मायावती से ज्यादा? अरे वो तो धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि आज मायावती जी सुरक्षित है। तो आपके डीएनए में रेप है, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है, आपके डीएनए में आतंकवादियों की पैरवी करने की सोच है, आपके डीएनए में संवेदनहीनता है, इसलिए ऐसे आपके बयान आ रहे हैं। ठीक, नीतीश शर्मा जी, क्या मैंने विशेष तौर पर कन्नौज की बात कही कि कन्नौज और अखिलेश जी का रिश्ता वर्ष दशकों का बिल्कुल घर जैसा है, जैसा सैफई वैसे ही उनका सेकंड होम आप कह लीजिए कन्नौज। जब समाजवादी पार्टी ये कह रही कि हमने इसको भगा दिया था 6 साल पहले 5 साल पहले जो भी है, असली नकली कुछ तो कागज तो जारी किए, तब तो ये और भी ज्यादा लाजमी हो जाता था कि अखिलेश जी और सपत्नीक कन्नौज जाते और उस बच्ची के माता पिता के साथ खड़े होकर अपनी संवेदना जताते। नहीं तो फिर चिट्ठी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अखिलेश जी चले जाते तो वैसे मैसेज चला जाता कि नवाब सिंह यादव के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। नहीं, नहीं जाएंगे अमिताभ जी, क्योंकि डीएनए टेस्ट और डीएनए की असली सच्चाई यही है, क्योंकि विचारधारा है ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। एक विचारधारा मुलायम सिंह का बयान यहाँ तक है, मुझे अशोक यादव जी आज बोल जरूर रहे हैं लेकिन अपने सुप्रीमो का बयान शायद भूल रहे हैं, बाकी सब बयान इनको आज याद आ जाएंगे कि अगर कोई रेपिस्ट हो तो क्या उसको आप सजाए मौत दोगे? अक्षम्य अपराध है। अगर यही इनकी घर की बहू बेटियां होती तब मैं उनसे पूछती कितने डीएनए टेस्ट की डिमांड करते, किस प्रकार से आरोपी को आप संरक्षण प्रदान करते। और ये तो तथ्य सामने आए हैं ना, कुंडली खुली है ना नवाब सिंह की, कि किसने उसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया। एक 25 साल पहले गरीब परिवार का व्यक्ति आज 300 करोड़ का मालिक है, यूपी के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, 200 गुंडे लेके साथ चलता है, सपा का झंडा लेके ऐसे तार में तेज में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल संरक्षण तो है, तो क्यों जाएंगे डिंपल जी, जिन्होंने अपना संसद का प्रत्याशी बना के रखा हुआ था। और इनका इतिहास देखें तो सही, आप यादव जी कौन है, अतीक अहमद कौन है, मुख्तार अंसारी, किस कैसे कैसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार से आपने गुंडे पाल रखे हैं, किस प्रकार से आपने अपराधियों की सेना पॉलिटिकल सेना बना रखी है। और यही वो सत्य है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जहां जहां ताकत मिली है इनको, इनके अपराधी है समय खुले में अपराध करने के लिए जिस प्रकार से इनको छूट मिल चुकी है उनको, और वापस में अमिताभ जी नजीर पेश करनी है ना,
तो जिस प्रकार से योगी जी बुलडोजर की नजीर पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अखिलेश और कांग्रेस के लोग आए और सामने जाके आप अपने लोगों के घर में बुलडोजर चलाएं। हमें भी पता चले कि हाँ आप देश की बेटियों के लिए आपके लिए संवेदनशीलता है, हमें भी पता चले आप पीड़ित दलित के लिए आप खड़े होते हैं, हमें भी पता चले कि किस प्रकार से आप अपराध के लिए इनटॉलरेंट है। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए महिलाओं के प्रति अपराध की। ठीक है, ठीक है नीति जी, रुकना होगा। ठीक है नीति जी, रुकना होगा। जैन साहब एक विषय और दिखता है मुझे कि जो किसी बहुत योग्यता का धारण नहीं करते, कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं, पैतृक रूप से समृद्ध भी नहीं, कहीं से लोन फाइनेंस भी नहीं, और पता लगता है कि 10-5 साल में कोई आदमी उठा और सीधे 100-200-500 करोड़ का खिलाड़ी बन गया, उन पर हमारे यहां कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। इवन हमारे यहां तो इतना अंधेर गर्दी कहिए क्या कहें उसको, कि इलेक्शन का जो फॉर्म भर एफिडेविट दिया जाता है ना जैन साहब, उसमें अपनी संपत्ति बताई जाती है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि आपको ये कोई नहीं पूछता ही संपत्ति आपके पास आई कहां से, और उसका मूल्य भी आप खुद ही तय कर देते हो। ठीक, औरंगजेब रोड पर कोठी है, आपने उसका कीमत लिख दी 25 करोड़, तो 25 ही करोड़ है, और अभी अवधेश खरीदने जाएंगे तो वो कहेंगे 450 करोड़ की है, और उसमें लिख देते हैं अलावा 25 करोड़। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, शायद इसीलिए फिर नवाब सिंह यादव जैसे लोग एकदम इमर्ज हो जाते हैं, और जब पैसा आ जाएगा तो स्वाभाविक शक्ति आपके साथ हो ही जाएगी। क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का प्रोविजन सेक्शन 14 में है गैंगस्टर्स एक्ट, और उससे ज्यादा प्रभावी मैं मानता हूं ईडी के पास जो पीएमएलए एक्ट है जी, उसमें संपत्ति जब्त करके और ओनस जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो साबित करे कोर्ट ऑफ लॉ में, ईडी के कोर्ट में, कि वो ये इस संपत्ति के लिए उसके पास धनराशि कहां से आई, कितने रिटर्न्स उसने फाइल करे, कहां से ये संपत्ति अर्जित की, जो कि एक बड़ा दुरूह कार्य है। और ऐसी संपत्तियां 1,25,000 करोड़ से ऊपर की ईडी जब्त कर चुकी है, और इस संबंध में इंडिया की प्रशंसा भी हुई है कि जो मैं इस प्रकार के धनराशि की बरामदगी इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रही है, ये होना चाहिए, अन्यथा पब्लिक का विश्वास एजेंसीज पर, सिस्टम पर उठता है कि जो आदमी गल गांव में रहता था, टूटे घर में रहता था, आज वो अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया, तो लोगों को ये एक लालसा होती है कि हम भी ऐसे ही रास्ते को चुनें और हम भी ऐसा ही कुछ करें, ऐसा ही हमारा जलवा भी स्थापित हो जाए। तो ये जो एक सोच है जो पनप रही है, ये बड़ी घातक है, और मैं ये समझता हूं कि इस सोच के ऊपर हमारे देश में रोक लगाए जाने की जरूरत है, और जो जितने विंग्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सबको मिल के इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब लोग पूजा खेड़कर जैसे केसेस को देखते हैं तो पूरे यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें, अगर हम एग्जाम्पलरी एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों का विश्वास बहाल नहीं होगा। और जो ये जैसा आपने कहा कि जब लोग बाग कवर फायर देने लगते हैं ऐसी घटनाओं में, उससे पब्लिक और हतोत्साहित होती है, उनका मनोबल और टूटता है, और महिलाओं बच्चियों ये इससे हमारे देश की पूरे वर्ल्ड ओवर बदनामी जी। फॉरनर लेडीज को भी नहीं बख्शा जाता है, ये बड़ी बदनामी का एक माध्यम बन गया है। इस पर हमें बिल्कुल जैसा अभी नीति जी ने कहा, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की, 100% जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, और सभी सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है जैन साहब के तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है ना गुड और बैड, वैसे ही लोगों ने व्याख्या कर ली, बोले गुड वाला रेपिस्ट है वो बैड वाला है, क्या बोले दूसरी पार्टी का, बोले वो बैड रेपिस्ट है, ये बोले हम, ये तुम्हारी पार्टी बोले गुड है, बोले इसे दूध रोटी खिलाएंगे, उसको उसके खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। समस्या यहां पर है, जब तक हम एक अप्रोच नहीं रखेंगे इस बीमारी से निपट नहीं सकते।
और राजनीतिक दलों के लिए जैन साहब एक अप्रोच रखना ही बहुत मुश्किल है क्या? इतने मादा उनके पास कहां है? हम तो सबको जान रहे, भाषण देना सबसे सरल काम है दुनिया का, जैन साहब दुनिया का सबसे सरल काम है भाषण देना, लंबा लंबा छोड़ना हाथ फाथ ऐसे करके चल देना, कौन पूछ रहा किसको। अशोक जी, अयोध्या और कन्नौज इन दोनों में जो पीड़ित परिवार हैं उनके यहाँ आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता जाएंगे, आपके अलायंस के सर्वोच्च नेता जाएंगे, कोई उम्मीद? क्योंकि हाथरस में आपने तो एक नजीर सेट की थी कि जहां कन्या पर अत्याचार होगा वहां हम जाएंगे, क्या उस नजीर का पालन, उस नियम का पालन कन्नौज और अयोध्या में समाजवादी पार्टी करेगी? देखिए अमिताभ जी, हाथरस का प्रकरण और अयोध्या कन्नौज का प्रकरण में जमीन आसमान का अंतर। हाथरस का जो प्रकरण था वहां एक जाति विशेष का डीएम जाति विशेष के आरोपियों को बचाने काम कर रहा था, किसके इशारे पे? योगी सरकार के इशारे। और रात को 2 बजे अंधेरे में बिना पीड़ित परिवार को सूचित किए किरोसिन से और किस तरह बुरी तरीके से उस बच्ची का डेड बॉडी जलाया गया, और एकदम सरकार की पार्शियलिटी दिख रही थी कि सरकार वहां आरोपियों को बचाने में ये इन्वॉल्व है, तो उस घटना को आप इससे कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक, आज सरकार के हाथ में है और सरकार कार्रवाई करती क्या नहीं? सपा तो ठीक, अशोक जी ठीक है, ठीक, समय कम है, ठीक है, अभी इस अवधेश जी से ले लूं, फिर मैं जब थोड़ा कुछ कहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसी एक घटना दे दूंगा, वहां चले जाओ, मैं तो आपसे विवाद ही नहीं कर रहा, आपकी बात सिर मारते। आपने कहा हाथरस घटना बिल्कुल अलग थी क्योंकि वहां ऐसा ऐसा था, मैं उसी की जोड़ की एक घटना उससे ज्यादा भयावह घटना ले आता हूं, अभी बताऊंगा, वहां की टिकट करा दीजिए, वहां ज्यादा ठीक है। अवधेश पांडे जी, कन्नौज और अयोध्या समाजवादी पार्टी कह रही है कि किसी ने रोका है क्या? जैसे मन आए वैसे दो सजा, नजीर खड़ी करो। देखिए अमिताभ जी, कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेंगी और इनकी 7 पुश्तें दुष्कर्म करने के लिए, अपराध करने के लिए तोबा करेंगी, और वो कार्रवाई हो भी रही है। ये ऐसी सरकार नहीं है, ये कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली सरकार है और माफिया को मिट्टी मिला देने वाली सरकार है। वो सरकार नहीं है कि अतीक अहमद के कुत्ते से इनके मुखिया हाथ मिलाएंगे। ये सरकार अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देने वाली सरकार है। जाएंगे समाज, गए थे से सपाई अयोध्या के अंदर, लेकिन उस पीड़िता को धमकाने गए थे, लालच देने गए थे कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम आपका परिवार नष्ट कर देंगे, आपको इतना रुपया दे देंगे। अस्पताल में 2 सपा के नेता लालच देने के लिए गए थे। अरे जब पूरी समाजवादी पार्टी अभियुक्तों की पैरवी में उतरी है तो जाएगी कैसे? आपने सही कहा, कन्नौज की लड़की अखिलेश की या तो बहन लगती होगी या भतीजी लगती होगी, लेकिन राजनीति का कितना गंदा खेल है, कितनी संवेदनहीनता है कि अपने जिले में जहां उनका पैतृक जिला है, जहां से राजनीति करते हैं, जहां से उनकी पत्नी चुनाव में लड़ती है, वहां की पीड़िता से नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे देश में किसी भी पीड़िता के साथ, किसी भी अपराधी के साथ कुछ भी हो तो मुख्य विपक्षी दल होने के साथ उनको जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना खड़ा कर लिया है कि हमारी पार्टी अगर अपराधी मुस्लिम होगा, अगर अपराधी यादव होगा, तो हम अपराधी के साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, नीति ठीक है अवधेश भाई, नीति जी कुछ कहना चाह रहे, नीति जी 30 सेकंड, ठीक है अवधेश पांडे जी, आगे बात, आगे भाई समय कम है जी, आगे नीति। मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से 13 रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट होता है, वहां पे अशोक यादव जी आज 13 प्रकरण और मेरे प्रकरण में, और हादसों को भी, ऐसी घटनाओं पे भी ये किस प्रकार से 13 और मेरा करने लगे हैं, तो इसी सोच का मैं उजागर करने जा रही थी कि राजनीतिकरण किस प्रकार से अपराधों का भी करने में विपक्ष नहीं चूकता है। जी,